अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से जानने का तरीका है उनका टेस्ट लेना और उन्हें और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए मिस एमिली के पास एक तरकीब है। हे क्लासमेट, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये शुरू होने वाला है। नई लड़की, वाह, बच्चे को नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि टेस्ट होने वाला है। उप्स, इंट्रोडक्शन बाद में करते हैं। जब तक टीचर यहाँ नहीं है हमें चीटिंग करनी चाहिए। आखिरकार शुरू करते हैं। बच्चे अपने चीट शीट्स कहाँ नहीं छुपाते, अपने स्लीव्स में कितना इन्वेंटिव है। खैर, मुझे लगता है समय हो गया। मिस एमिली जो देखना चाहती थी वो देख चुकी है। खैर, फिर से हेलो। ओह, इस नई लड़की में कुछ तो अजीब है। अब समय आ गया है कि मास्क उतारे, आंखों पर चश्मा लगाए और अपना होलिया बदले। अब अपनी चीट शीट्स मुझे दो। कितना शर्मनाक है और अजीब। ये लो। हाँ, वो बढ़िया इंट्रोडक्शन नहीं था, ये बहुत ही बेकार अनुभव था। हर क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो हमेशा लेट आता है। माफ करना, हमेशा की तरह क्लास के शुरू होने के बाद आना। कितने बजे हैं? मार्टिन पक्का किसी चीज को लेकर परेशान है और वो आलसपन नहीं है। आखिरकार उनका ध्यान कहीं और है। ये स्मेल कैसी है? मिस एमिली की नाक बहुत तेज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो मुझे शांति से खाने भी नहीं देंगी। ये खाना मुझे दो। पर मार्टिन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। ढूंढने से कुछ नहीं होगा। देखो, ये खाली है, कुछ भी तो नहीं है। इसे लेसन कंटिन्यू करना चाहिए। हाहा, प्रैंक कामयाब रहा। मार्टिन खुश हुआ, टीचर को बेवकूफ बना दिया। चालबाज और स्नैक दोनों बच गए। खाने पर ध्यान देते हैं। मेरे पास आओ मेरे खजाने। लाजवाब। माफ करना, मैं लेट हो गई। एलिस आज देर तक सोती रह गई थी और इसे तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। ठीक है, चलो शुरू करें क्लास। सब काम कर रहे हैं, पर जब तक एलिस का मेकअप नहीं हो जाता वो ध्यान नहीं दे सकती। मेरे पास पैलेट है, मुझे बस इसे अच्छे से छुपाना होगा। स्कॉच टेप प्लस एक नोटबुक, इसका मतलब है शानदार मेकअप कवर अप। आई शेडो कहाँ है? ये छुप गई। क्या कोई जवाब जानता है? और जब बाकी बच्चे बढ़िया ग्रेड्स पा रहे हैं, वहीं एलिस मजे से अपना मेकअप कर रही है। तुम पीछे वाली लड़की, क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नॉर्मल और बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मैं देख सकती हूँ तुम्हारा राज क्या है। मिस एमिली को शक हो रहा है, शायद वो नोटबुक में है। नहीं, मुझे लगता है सब ठीक है। फिर भी तुम्हें नोट लिखने चाहिए। इधर उधर मत झांको। कोई बात नहीं मिस एमिली, बस आप वहाँ देखो। और ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? बहुत बुरी तरह फेल हो रहे हैं। उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है और नए डिसअपीयरिंग इंक पेन ट्राई करते हैं। एक एफ ए प्लस में बदल जाता है। सभी टेस्ट रिजल्ट जानने के लिए बहुत उत्सुक है। ओह, मुझे दिख गया, चीजें बहुत बढ़िया दिख रही है। ये लो अपने क्विजेस। वाह, ग्रेड्स बहुत बढ़िया है, हम ऐसे ही इतने परेशान हो रहे थे। क्लास बहुत खुश है, वो पार्टी करने के लिए तैयार है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। रुको, क्या ये क्या हो रहा है? ये जादू जैसा है। मेरे अच्छे ग्रेड्स कहाँ चले गए? क्या प्रैंक है? ओह हाँ, लगता है प्रैंक कामयाब रहा। तुम्हें पढ़ना चाहिए था क्लास, टीचर का प्रैंक काम कर गया। ऐसे प्रैंक के लिए शुक्रिया भगवान। अब ये रहा फैशनिस्टा के लिए लाइफ हैक। एक लिपस्टिक और एक प्लास्टिक का अंडा ले, लिपस्टिक को अंडे पर लगाए, फैंसी कैमोफ्लाज। अब डब्बे को पेंसिल पर चिपकाए, वोइला। ओ, कितने बजे हैं? थोड़े से लिपस्टिक लगाने का समय हो गया। तुम अपना मेकअप ठीक करो और टीचर को कुछ पता नहीं चलेगा। ही, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अपने साथ वाले बच्चे को अपनी तरफ करना होगा ताकि वो ज्यादा शोर ना मचाए। तुम्हारे लिए काम है, स्वीट सरप्राइज वाली पेंसिल। ओह ही मेरे भगवान, शानदार। पर ये क्या है? उप्स, इसमें चीट शीट कैसे आ गई? मुझे नहीं पता। टेस्ट नाम के शब्द से ही डर लगता है। ये रहा सामान। ओह नहीं, एलिस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अच्छा हुआ कि मार्टिन पास में है, पर आज उसका भी मूड नहीं है।
खैर मुझे लगता है वो नहीं बताएगा। अपने काम को पहली क्लास के बच्चों की तरह छुपा रहा है। मेरे टेस्ट में झांकने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? इतना लालची मत बनो। पर एलिस भी शांत रहने वालों में से नहीं है। स्माइल, क्यों ना अपने मनपसंद पड़ाकों के साथ सेल्फी ली जाए। तुम क्या कर रही हो? ओह, ये हो गया, हो गया। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। बच्चों चुप हो जाओ, तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। ठीक है मिस एमिली, तुम्हें बस तस्वीर को बड़ा करना होगा। जूम किसी दिमागदार ने इन्वेंट किया था। तो जवाब क्या है? क्या तुम शांत हो सकती हो? हाँ बिल्कुल पड़ाकू, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। स्कूल में ऐसा समय भी आता है जब आप अपने आप से जवाब का पता नहीं लगा पाते। क्या तुम जवाब जानते हो? और होशियार दिमाग भी काम नहीं करता। अब एक ही तरीका बचा है। एक्सक्यूज मी, टीचर से पूछो वो जवाब क्यों नहीं दे रही। हेलो, अपने नोट्स में मगन है, कोई रिएक्शन नहीं। हे मिस एमिली, क्या मुझे उनके कंधे पर हाथ मारना चाहिए? हेलो, ओह नहीं, फिर से नहीं। किसी का खुलासा होने वाला है। खैर, स्क्रीन गिर गई। उफ, मैं कहाँ थी बच्चों? चलो नया टॉपिक और होमवर्क लिखो। हाथ से कुछ छुपाने की बढ़िया कोशिश, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाई की परवाह नहीं है। मिस एमिली, जब आप सो रही थी तो आप बहुत फनी लग रही थी। क्लास, अपने पेंस निकालो और नोट्स लिखने के लिए तैयार हो जाओ। लेक्चर बढ़िया है पर एलिस को थोड़ी प्रॉब्लम है, इसे लिखो। हाँ, मैं जरा पेन ढूंढ लूँ। क्या किसी के पास पेन है? साथ वाली के पास सिर्फ इंक होल्डर है। नहीं, ये काम नहीं करेगा। जो भी हो, पेंसिल केस कैसा रहेगा? इसमें सिर्फ एक गुब्बारा पड़ा है। आइडिया मिल गया, चलो इंक होल्डर को गुब्बारे में डालें। क्या मैं तुम्हारी स्लाइम उधार ले सकती हूँ? वो ये क्या करने वाली है? स्लाइम उसकी कैसे मदद करेगी? ये इंक होल्डर को सील कर देगी। वोइला, ये तैयार है। वो ऐसे इन्वेंशन के लिए तो तुम्हें पेटेंट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। मिस एमिली को भी ये बेहद पसंद आया। ओह हे भगवान, बढ़िया इन्वेंशन है। फोन एक जिंदा चीट शीट के जैसा होता है, हम उसके बिना कैसे रह सकते हैं? हे मार्टिन, मुझे अपना फोन दो। उप्स, उसने तुम्हें पकड़ लिया। पर कोई बात नहीं, तुम्हें बस दाएं तरफ स्वाइप करना है। ओह ये देखो, डेड बैटरी वाली फोटो। ये लो, इसमें बैटरी नहीं है, है ना? हाँ, मुझे बस हर समय अपना फोन अपने साथ रखने की आदत है। ठीक है, ये लो और अगली बार इसे चार्ज करना मत भूलना। ये काम कर गया। ये अब तक का सबसे बढ़िया लाइफ हैक है ना? ये लो तुम्हारा आज का असाइनमेंट क्लास। थोड़े से काम से कभी कुछ नहीं बिगड़ता, पर टीचर क्या कर सकती है? ये बहुत बोरिंग है और अभी ब्रेक होने में काफी समय पड़ा है। सिर्फ कॉफी ही मुझे खुश कर सकती है। ये ट्रेवल मग जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा वर्सटाइल है। चलो स्मार्टफोन पर डबल साइडेड टेप का एक टुकड़ा लगाएं और गैजेट को मग पर चिपकाएं। बूम, और ये तैयार है। अब अपनी मनपसंद गेम खेलने शुरू करें। हाँ, मुझे रेसिंग बहुत पसंद है। मिस एमिली क्या कर रही है? वो काफी अजीब बर्ताव कर रही है। उफ, गेम में मगन है, ये होता है, ध्यान मत भटकाओ। बस ये कॉफी बहुत रिफ्रेशिंग है, शायद बहुत रिफ्रेशिंग। बच्चे हैरान हैं, क्या उन्हें पूरा यकीन है कि ये कॉफी है? क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? फिर अपने नोट्स मुझे दो, मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ मुश्किल लेवल। बेटी को क्विज़ेस से नफरत है। मेरे पास चीट शीट है पर मैं उसे कहाँ रखूँ? बिना पकड़े चीटिंग करना बहुत मुश्किल है। ओह, मेरे पास बैंडेड है, तुम्हें बस मेकअप लाइनर से एक जख्म बनाना होगा। हो गया, बैंडेड पर चीट शीट लगाएं और नकली जख्म पर इसे चिपकाएं। असाइनमेंट डेस्क पर है, समय गुजर रहा है। ही, क्या हुआ? मेरे लग गई, मुझे दर्द हो रहा है। बेचारी लड़की, टीचर को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। चिंता मत करो मिस एमिली, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आराम और टेस्ट की तैयारी करने के लिए ब्रेक सबसे बढ़िया समय होता है, और जब कोई सोशलाइजिंग कर रहा है। बिंगो, एलिस को एक कमाल का आइडिया मिला है। क्यों ना रिबन पर एक चीट शीट लिखें? ध्यान से सभी फॉर्मूलाज लिखें। वाह शानदार, पर अब मैं ये रिबन कहाँ छिपाऊं? जाहिर है ग्रेड में, यही इसकी जगह है। चलो टेस्ट शुरू करें। ओह, लगता है मार्टिन और बेटी को अपनी हार नजर आ रही है। दूसरी तरफ सब कुछ एलिस के कंट्रोल में है। मुझे अपने बाल बहुत पसंद है।
कि आपको हमारी स्कूल टिप्स पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि किस ट्रिक ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर नई वीडियोस मिस न करें।